आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पियर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ महक। चलिए बात करते हैं आज के देश प्रदेश की बड़ी खबरों की। एमपी के डिंडौरी गुना सहित 29 जिलों में होगी बारिश। बड़वानी में नदी नाले उफान पर, बेतवा अनास नदियों का जलस्तर बढ़ा। कोलकाता रेप मर्डर केस, स्टूडेंट्स ने किया प्रोटेस्ट मार्च, छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पथराव भी किया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन और छोड़े आंसू गैस के गोले। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को हुआ वायरल फीवर, सोमवार देर शाम भोपाल के एम्स में हुए भर्ती। उत्तर प्रदेश में सितंबर से फिर बदले का मौसम, आज कई जिलों में बारिश, बिजली और तेज हवा की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सीएम मोहन ने ग्वालियर में निवेश को लेकर की अपील, कहा एमपी की प्रगति और उन्नति के खुल रहे द्वार, आइए अवसरों की भूमि पर कीजिए इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश में मायावती पर भरोसा बरकरार, फिर बनी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारिणी की बैठक में देश भर के बसपा के वरिष्ठ हुए शामिल। छतरपुर पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी शहजाद गिरफ्तार, सेंडर करने जा रहा था, पुलिस ने घेराबंदी कर कोर्ट के सामने दबोचा। अयोध्या में एक और रेप का मामला आया सामने, 4 साल की मासूम से 35 साल के युवक ने किया दुष्कर्म, ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची महाराजगंज पुलिस, आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश में उलझन में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, 80% कॉलेज हो सकते हैं बंद, फिर हाई कोर्ट जाएगी एमपी सरकार। अक्टूबर में होने वाले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, हरमनप्रीत को मिली कप्तानी जबकि स्मृति मंधाना को बनाया उपकप्तान। तो ये थे आज के देश और प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। लगातार ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।